मिस्टर अरुण प्रदीप, जैक्सन तोलाराम कंपनी के सुपरवाइजर सेकंड ग्रेड और हमारे नायक। और ये है अनामिका, हमारी नायिका। 3 साल पहले ये अमेरिका चली गई थी और परसों ही वापस आई हैं। एनी के अमेरिका जाने के बाद अरुण कानपुर से यहाँ मुंबई आ गए थे और अब ये अनामिका को भी यहीं सेटल होने के लिए कन्विंस कर चुके हैं। हिंदी बोलने का तरीका भले ही इन दोनों का ना मिलता हो, लेकिन पसंद नापसंद लोग कहते हैं कि दोनों की एक है। आइए देखते हैं। प्रणाम भैया, आगे। अरे तुम्हें क्या हुआ? 3 दिन से मैं यहाँ हूँ। You don't have time for me. Plus the TV is also not working. हम एक साथ। यार पता है मुझे, मैंने वादा किया था हम दोनों एक साथ Game of Thrones Season 6 देखेंगे। हाँ, और because हम दोनों साथ में देखने वाले थे, इसलिए मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा US में। पता है, Facebook पे भी नहीं गई मैं 1 महीने से, क्योंकि वहाँ पे लाइव फीड चलती रहती है एपिसोड्स की। करा दूंगा यार, तुम्हारा आने से 1 दिन पहले ही खराब हुआ है टीवी। अरुण भैया, हम भाभी को बता चुके हैं कि जब हम पिछली बार आए थे तो भी खराब ही था। अरे इतना मत आया करो ना यार, सही से काम किया करो। 15 दिन पहले ठीक करवाया था। प्लीज आप अंदर जाओ। आई एम सो सॉरी यार, मुंबई में इतनी ट्रैफिक है, सारा दिन ट्रैफिक में निकल जाता है। आई एम सो सॉरी। मेरे शिफ्ट होने से पहले तो तुम कहते थे कि मुंबई में ट्रैफिक का ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, सब यूपी वालों ने अफवाह फैला के रखी है मुंबई को बदनाम करने के लिए। अरे वो तो तुम ना जाने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। टाइम पे नहीं घर पे आ सकते, ये नहीं ठीक करवा सकते। और तुमसे क्या होने वाला है? बस गेम ऑफ थ्रोन्स। अरे मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगता यार। इनफैक्ट मैं सारा सीजन स्किप कर करके देखा हूँ कि तुम मुझे जज ना कर पाओ। अच्छा, जो तुमने इंस्टा पे आईडी डाली है arun.p.lannister, वो धोखा है? हाँ मैडम, ये इंडिया है और मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, ये सब के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। राइट, और सावधान इंडिया के सीजन फिनाले में फूट फूट के वेबकैम पे रोता है, उसके पास कहाँ ही टाइम होगा, तब जज होने का ख्याल नहीं आया। ये सावधान इंडिया फिर भी रिलेवेंट सोच होती है। तुम्हारा जो गेम ऑफ थ्रोन्स, एक ब्लॉन्ड सी लड़की को 3 ड्रैगन दे दिया और बोले चलो किला फतेह करके आ जाओ, ये ऐसा कहाँ होता है यार। अच्छा, जो सिमर है वो ससुराल जाती है, तब वो लड़की से मक्खी बन जाती है, तब तुम लोगों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहाँ जाता है? लीव इट यार, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। तो किसको समझ में आएगा? तुम्हारा वो जॉन स्नो को? साले को कुछ पता वता है या नहीं? मर मुर गया का लास्ट सीजन के फिनाले में। ये क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देख देख के ना इंडियंस को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं रहेगा। और तुम्हारे गेम ऑफ थ्रोन की वजह से माँ बाप भाई बहन किसी को भरोसा नहीं है किसके ऊपर। मैंने यही बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें ना यहाँ पे नहीं चलती है। एटलीस्ट वहाँ पे लड़की ने पति का लैपटॉप तो नहीं धोती बर्तनों के साथ। पता नहीं यार सीरीज का नाम क्या था। अरे भाभी वही गोपी बहू वाला शो। अच्छा सॉरी। अरे वो बिचारी गाँव से थी यार, उसे क्या पता। गाँव से? उसके गाँव में टीवी नहीं है तो उसने टीवी क्यों नहीं धोया आज तक? अरे ये सब फालतू चीज के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। एक इंसान बता दो जो अमीर बाप का औलाद नहीं हो, जिसके पास बहुत सारा काम हो और ये गेम ऑफ थ्रोन्स दिखता होगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा। और बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। क्या जॉन स्नो वापस आ गया? अरे मुबारक हो ताऊ जी आपको। हाँ ताई जी और चिंटू को भी मुबारक। हाँ इधर सब ठीक है। नहीं खुशी हुई जॉन स्नो वापस आ गया सुन के। माफ कीजिएगा, लगता है माहौल थोड़ा खराब हो चुका है, इन्हें इनके हाल पे छोड़ना ही ठीक रहेगा।